छेवें पे कमीशन नूं लैके पूरे पंजाब दे विच डॉक्टरां वल्लों सरकारी हस्पतालां दी ओपीडी बंद करन दी कॉल दित्ती गई सी, जिसका असर वख-वख जिलियां विच वेखण नूं वी मिलिया। सरकारी डॉक्टर एनपीए विच कटौते खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ने। अज तो 3 दिनां तक सूबे दे डॉक्टर हड़ताल ते रहणगे। बेशक सरकारी डॉक्टरां दी एसोसीएशन दी सरकार नाल कई वार बैठक होई, पर उह बेसिट्टा रही, जिस कारण डॉक्टरां दा रोस वधदा ही जा रहा है। हड़ताल दौरान ओपीडी दी सेवावां तां बंद रहणगियां, पर एमरजेंसी सेवावां जारी रहणगियां। डॉक्टरां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर उन्हां दीआं मंगां समें सिर ना पूरी होईआं तां एमरजेंसी सेवावां वी बंद कर देणगे, ते वैटनरी डॉक्टरां वल्लों वी सरकार दे फैसले दा विरोध करदिआं तरन तारन दे पशु पालन विभाग दे डिप्टी डायरेक्टर दे दफ्तर बाहर गेट रैली करके सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरां ने सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की, नोटिफिकेशन दियां कापियां साड़ के अणमिथे समय लई हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ये तस्वीरां तुसी वेख सकते हो, बठिंडा, रोपड़, फाजिलका, बरनाला, जलंधर ते मानसा दियां ये तस्वीरां ने। इस तों अलावा भी कई जिलों में रोस प्रदर्शन किया गया, ते छेवें पे कमीशन नूं लैके गुस्से विच डॉक्टर। पंजाब सरकार वालों लागू किए गए छेवें वित्त कमीशन में डॉक्टरों का जो एनपीए सरकार वालों घटाया गया, जिसनों लेकर डॉक्टरों वालों लगातार संघर्ष किया जा रहा है। बेशक डॉक्टर की जी एसोसीएशन है उसकी सरकार के नाल कई दफ़ा मीटिंग भी हुई है, पर जो कोई हल नहीं निकलिया, जिसनों लैके हूँ डॉक्टरों वालों 3 दिन की जी 12 जुलाई तो लैके 14 जुलाई तक हड़ताल की गई है। मानसा के भी जो डॉक्टर ने सिविल अस्पताल के जो हड़ताल के उपर ने, साढ़े ना कुछ डॉक्टर साहबान मौजूद है, उन्होंने तो जान लेना है कि जी अज की हड़ताल है इसका की कारण है। सर, डॉक्टर साहबान वालों जी हड़ताल की गई 3 दिनों के लिए की कहोगे? देखो, ये हक्की हड़ताल है, सरकार ने बहुत ज़्यादा धक्का किया, जिहड़ा कि बड़ी शर्मनाक हरकत है। सरकार को चाहिए डॉक्टर ने एनपीए जल्दी तो जल्दी बहाल करे, तो कि जिहड़े इन्हां दे हौसले टुटे आ वापस आउण। असी आईएमए वल्लों, मैं आईएमए वल्लों आईएमए दे जिला प्रधान होने के नाते, तो मेरे नाल साडे जिला सैकटरी डॉक्टर शेर सिंह सिद्धू, असी इन्हां नाल हाज़र हाँ, तो हमेशा हाज़र रहांगे। जित्थों तक ये जाणगे, असी इन्हां नाल पहलां प्राइवेट हस्पताल बंद करन दिओ करांगे, तो कि इन्हां दा जिहड़ा बंदा सन्मान है वह बहाल किया जा सके। डॉक्टर साहब की कहोगे, लगातार जी सरकार दे नाल कई बार मीटिंग भी हुई है, पर कोई हल नहीं निकलिया, तो आने वाले समय की होगा? आने वाले समय से यही होएगा। सरकार ने सानू पहला अश्योरेंस रीश्योर किया कि असी जो तुहाडा बनदा हक है जो एन पी ए असी बहाल करांगे, पर सरकार नू इस फैसले नू लगभग 5-6 दिन हो गए, उन्हां वल्लों कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई गई। तो हुण असी दुबारा जो स्ट्राइक की है 12 से 14 तक की, जिहदे नाल साडे आई एम ए भी नाल हैगे है, डॉक्टर जनकराज है, डॉक्टर शेरजंग सिद्धू है, तो असं इन भविख के 18 तरीक तक असी होर अल्टीमेटम दिता गौरमेंट को कि अपने फैसले को विचारे, पॉजिटिवली उन्हों एन पी ए वापस लवे, तो साडा जिहड़ा बनदा मान सम्मान है वह सानू वापस देवे। पर जे सरकार के इस बावजूद भी कोई असर नहीं होंदा, तो असी अपने संघर्ष को 18 तरीक तो बाद होर तिखा करांगे। जो भी रणनीति होएगी स्टेट लीडरशिप की, उस हिसाब नाल तुहानू दस दिती जाए। बिल्कुल, जिस तरह से सुने डॉक्टरों का कहना है कि 18 तरीक तो बाद जो भी रणनीति सूबा कमेटी तय करेगी उस अनुसार जो अगला एक्शन किया जाएगा। किशम गोयल, इंडिया न्यूज़ पंजाब, मानसा।